रायबरेली में सपा नेता के आशीष चौधरी के पक्के निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। एनएचएआई ने नोटिस अवधि पूरा होने के बाद अवैध निर्माण गिराया। सपा नेता का आरोप, राजनीति से प्रेरित है कार्रवाई। ट्विन टावर ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 21 अगस्त को ट्विन टावर गिराया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे टावर को गिराया जाएगा। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल सभी मंत्री करेंगे कामतगिरी की परिक्रमा। आज रात 8 बजे डिनर के बाद करेंगे परिक्रमा। 2024 के विजय पर बीजेपी कर रही है मंथन। चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। केंद्रीय और कैबिनेट मंत्री मौजूद। संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव पर मंथन जारी। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, विकास के साथ बढ़ना चाहिए हमें आगे। आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए संकल्पित होने की लिखी बात। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कार्यशाला आयोजित। कार्यशाला में बाघों को बचाने और संरक्षित करने पर हुई चर्चा। मंकीपॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का बड़ा बयान। यूपी में नहीं है एक भी मंकीपॉक्स का मरीज। सरकार पूरी तरह तैयार। जारी किया गया है अलर्ट। रायबरेली में कांग्रेस पर भड़के बीजेपी नेता दिनेश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बोले, कांग्रेस दलित और जनजाति विरोधी। बिजनौर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की प्रेस वार्ता। सरकार के 100 दिनों की कार्य योजना के बारे में दी जानकारी। 100 दिन के कार्यकाल में अपराधियों पर शिकंजा कसा। कुख्यात अपराधियों के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। राज्यों में बीएसपी संगठन को मजबूत करने में जुटी मायावती। 4 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ मायावती ने की बैठक। 3रे चरण की बैठक के बाद आज 4थे चरण की बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी जातिवाद सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करने की मिसाल। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं हो रहा सुधार। आगरा में मंकीपॉक्स को लेकर डर का माहौल। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड और मंकीपॉक्स को लेकर यात्रियों की जांच की। जालौन में स्कूल का पहचान पत्र दिखाकर छात्र छात्राएं लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। किशोरों की लिए स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बनाए टीकाकरण बूथ। जिले में 1,18,528 बच्चों का होना है टीकाकरण। गंगा प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट सख्त। नमामि गंगे परियोजना महानिदेशक का से क्लीन गंगा का ब्यौरा तलब। जांच के लिए निर्देश जारी। ललितपुर जिले के 7 सब इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर पद पर हुआ प्रमोशन। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने एसपी कार्यालय में इंस्पेक्टर पद पर किया सम्मानित। यूपी में 13 IAS अधिकारियों का तबादला। 20 PCS अधिकारियों का भी ट्रांसफर। वाराणसी के नए DM बने एस राजलिंगम। बलरामपुर के नए DM बने महेंद्र कुमार। बुलंदशहर में दबिश देने पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग। ग्रामीणों के हंगामे के बाद धारा 420 का आरोपी फरार। मौके पर पहुंचे आलाधिकारी। स्कूल ड्रेस में पार्क मोहल्ला रेस्तरां में एंट्री बैन। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदेश। जिलाधिकारियों को आदेश दिया किया जारी। यूपी में मतदाता सूची आधार से होगी लिंक। अगस्त से शुरू होगी लिंक करने की प्रक्रिया। युवा मतदाता जुड़वा सकेंगे लिस्ट में अपना नाम। मऊ में मुख्तार अंसारी का करीबी आनंद यादव की पत्नी मीरा यादव की 83 लाख की संपत्ति कुर्क। जिला प्रशासन की टीम ने संपत्ति को किया कुर्क। शाहजहांपुर में 10 मंजिला इमारत में भूकंप में फंसे लोगों को बचाने की मॉक ड्रिल। NDRF ने भूकंप में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। संभल में शॉपिंग मॉल में घुसा गौवंश। शॉपिंग मॉल में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को निकाला बाहर। बिजली चोरी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 75 जिलों में खुले विद्युत चोरी निरोधक का। थाने में होगी FIR। निजी बिजली कंपनियों भी दर्ज करा सकेंगी FIR। शिक्षा विभाग में तबादलों में गड़बड़ी की जांच के लिए गठित कमेटी पर सवाल। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का आरोप, गड़बड़ी के आरोपियों को ही जांच देने का आरोप। PWD में डिमोट किए गए 106 JEE। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीते केस। अप्रैल में प्रमोशन के बाद हुआ था डिमोशन। समूह गा के हैं कर्मचारी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। विवाह मंडप पर पुलिस की छापेमारी। 6 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। फरुखाबाद में रोडवेज की बस हादसे का शिकार। दिल्ली जा रही रोडवेज बस खाई में पलटी। एक यात्री की मौत। 23 घायल। बलिया कलेक्ट्रेट का एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। कलेक्ट्रेट परिसर में ADM ऑफिस के सामने जल भराव के बीच बैठे थे 3 गार्ड। संभल में एक मौलवी पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप। मस्जिद में तालीम लेने जाती थी बच्ची। पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। जालौन में 84 साल की दादी सीख रही स्कूटी। बुजुर्ग महिला का स्कूटी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में दुकान में
कंबल लगाकर चोरी की वारदात, दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान किया चोरी। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में अधेड़ की युवक ने की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। सीतापुर में हिंदू धर्म की आड़ में धन उगाही का मामला, खास समुदाय के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हिंदू युवा वाहिनी और बीएचपी कार्यकर्ताओं ने शख्स को पकड़ा। बांदा में शोधे से परेशान लड़की ने किया सुसाइड, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था युवक, परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज। कानपुर में लेदर कारोबारी को मिली जान से मारने की धमकी, कानपुर मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हसीब ने दी धमकी, बेकनगंज हिंसा में हसीब की फंडिंग की कारोबारी ने की थी शिकायत। कानपुर में लेदर कारोबारी को मिली जान से मारने की धमकी, कानपुर मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हसीब ने दी धमकी, बेकनगंज हिंसा में हसीब की फंडिंग की कारोबारी ने की थी शिकायत। उत्तराखंड के कोटद्वार में बोले यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, देश में रामराज चल रहा, हिंदुत्व का स्वर्णिम काल योगी आदित्यनाथ को बताया विकास पुरुष। नीति आयोग ने महाराजगंज के 6 ब्लॉकों को चुना, विकास को मिलेगी नई नीति गति, यूपी के 100 ब्लॉकों में शामिल है सभी 6 ब्लॉक। कानपुर में जनरल स्टोर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करीब 10 लाख रुपए का माल जलकर खाक। जालौन में टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा, छात्र के शरीर पर चोट के गहरे निशान, अभिभावक छात्र को लेकर पहुंचे थाने, डीकेडी एल्ट्रेल पब्लिक स्कूल का मामला। हाथरस में शिक्षिका की बड़ी लापरवाही आई सामने, मासूम बच्चे को क्लास में बंद कर चली गई शिक्षिका, 4 घंटे बाद बंद कमरे से बच्चे को निकाला गया। बाराबंकी में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, नशे में दुकानदारों पर जमकर झाड़ा रौब, परेशान होकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान शराबी ने किया तमाशा, पुलिस कर्मचारी को जड़ा तमाचा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। बिजनौर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के आवास पर मारपीट, जन सुनवाई के दौरान मारपीट, सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। सहारनपुर में गांव वालों की बैठक में युवक की पिटाई, युवक की जूतों से पिटाई की गई, गलती की माफी मांगने के बावजूद पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बुजुर्ग महिला समेत 2 लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में बोतल में पेट्रोल न देने पर पंप कर्मी से जमकर मारपीट, मारपीट करने वाले युवक ने खुद को बताया पुलिसकर्मी, पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बुलंदशहर में अवैध हथियार के साथ युवकों का फोटो वायरल, गब्बर सिंह स्टाइल में हथियार लेकर दिखे युवक। बरेली के बेगुल नदी में जल स्तर बढ़ने के बाद दिखा मगरमच्छ, मछली मारने गए 4 लोगों को घायल कर चुका है मगरमच्छ। हरदोई में गन्ने के खेत में मिला नवजात बच्चा, ग्रामीण ने बच्चे को पहुंचाया अस्पताल, चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम कार्रवाई में जुटी। ललितपुर में 3 युवकों पर लगा गैंगरेप का आरोप, युवती के आरोप पर मुकदमा दर्ज, युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक, घास काटने जा रही महिला पर कुत्ते ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में ट्रेन के आगे कूदकर छात्र ने दी जान, गाजीपुर जिले का रहने वाला बी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ता था छात्र। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, सभी घाटों का टूटा संपर्क, नाव चलाने पर लगी रोक, घाट की सीढ़ियों पर हो रही आग। नोएडा सेक्टर 76 में मोबाइल लूट, बदमाशों ने सड़क पर खड़े शख्स से छीना फोन, न पूरा मामला सीसीटीवी में। प्रतापगढ़ में मांगलिक कार्यक्रम में युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 12 सेकंड के भीतर 6 राउंड फायरिंग, कुछ दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। बलिया कलेक्ट्रेट का एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, कलेक्ट्रेट के परिसर में एटीएम ऑफिस के सामने जल भराव में बीच बैठे 3 होमगार्ड। संभल में एक मौलवी पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप, मस्जिद में तालीम लेने जाती थी बच्ची। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हाथी दिखने से हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल में खदेड़ा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले में धामी सरकार सख्त, मुख्यमंत्री बोले ऐसी कार्रवाई करूंगा जो पेश करेगी मिसाल, बख्शे नहीं जाएंगे एक भी दोषी। पौड़ी के बड़े गांव में गुलदार का आतंक, 5 साल के बच्चे को उठा ले गया गुलदार, बच्चे का शव खेत में मिला।
उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन से एनएच जाम, वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक, भूस्खलन से सड़क भी क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट। उत्तरकाशी में फिर हुआ भूस्खलन, बारिश के बाद भूस्खलन, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, पिछले दो दिन से बंद है गंगोत्री एनएच। टिहरी खरा खेत पर हुए बस हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने, हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, हादसे में एक महिला की हुई मौत। जम्मू में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर हुआ जल जमाव, सड़कों पर फंसे वाहन। जम्मू कश्मीर के रियासी के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई। महामहिम द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में की शिष्टाचार भेंट। असम के जोरहाट में टला बड़ा विमान हादसा, उड़ान भरते ही रनवे पर फिसला विमान, तकनीकी गड़बड़ी के बाद इंडिगो की फ्लाइट रद्द, सभी यात्री सुरक्षित। भारतीय नौसेना को सौंपा गया देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, अमेरिका के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भी भारत को मिली। स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि केस में जयराम रमेश और पवन खेड़ा की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा समन, 24 घंटे में स्मृति की बेटी को लेकर की गई टिप्पणियां, सोशल मीडिया से हटाने को कहा। राष्ट्रपति के अपमान पर हंगामे के बाद सोमवार तक संसद स्थगित, बीजेपी बोली अधीर के बयान के लिए सोनिया गांधी मांगे माफी, कांग्रेस का पलटवार, स्मृति ईरानी ने सोनिया का किया अपमान, पीएम मांगे माफी। राष्ट्रपति के अपमान पर संसद में जमकर हुआ हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। अधीर रंजन के बयान पर सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी, स्मृति और सोनिया की झोंकझोंक पर कांग्रेस ने किया बवाल। संसद परिसर में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया के अपमान के लिए पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ईडी की पूछताछ में कुछ नहीं मिला तो सोनिया गांधी को किया जोरहाट टारगेट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा अधीर रंजन की माफी के बाद भी तूल दे रही बीजेपी, सोनिया गांधी से जानबूझकर माफी मांगी जा रही है माफी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला, प्रहलाद जोशी ने कहा सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस की आदत। महामहिम द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में की शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन के बयान के बाद राष्ट्रपति भवन में अमित शाह ने की मुलाकात। संसद परिसर में निलंबित सांसदों का धरना तीसरे दिन भी जारी, संजय सिंह समेत 23 सांसद निलंबन के खिलाफ दे रहे धरना। दिल्ली में आयोजित हैप्पीनेस उत्सव में सीएम केजरीवाल का अलग अंदाज, कलाकारों के साथ केजरीवाल ने बजाया तबला, केजरीवाल की थापड़ चूमे लोग। चीन पाक आर्थिक गलियारा में तीसरे देश की एंट्री पर भारत ने दी चेतावनी, कहा पीओके में कोई भी एक्टिविटी हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ। पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का खुलासा, कहा ड्रोन के जरिए पाकिस्तान नशीली दवाएं और हथियार भेज रहा। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, शाम में गुजरात का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, कई प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। कोरोना को लेकर बड़ा खुलासा, किसी लैब से नहीं बल्कि चीन के वुहान मार्केट से फैला था कोरोना वायरस।
श्रीलंका में प्रदर्शन की तर्ज पर इराक में भी जबरदस्त विद्रोह। बगदाद में प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोहम्मद अल सुदानी के नामांकन का विरोध। संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। अगर जो बाइडेन कीव का दौरा करते हैं तो ये यूक्रेन के समर्थन में बड़ा संकेत होगा। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग। अब तक 18,000 एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक। हजारों लोग विस्थापित। जान बचाने के लिए स्कूल में शरण ले रहे लोग। टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान पर श्रीलंका की बड़ी जीत। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 246 रनों के बड़े अंतर से हराया। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज। 72 देशों के 5,000 से ज्यादा एथलीट ने ले रहे हिस्सा। भारत के 213 खिलाड़ी 16 खेलों में करेंगे शिरकत। शतरंज का सबसे बड़ा इवेंट चेस ओलंपियाड शुरू। पाकिस्तान ने 44वें चेस ओलंपियाड से अपना नाम वापस लिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज ग्रैंड लारा स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शमशेरा फिसड्डी 150 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म अब तक 36 करोड़ रुपए ही कमा पाई। 4,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी फिल्म। सोनाक्षी सिन्हा जल्द निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस फिल्म में आएंगी नजर। सोनाक्षी के भाई कुश एस सिन्हा के निर्देशन में बन रही फिल्म। फिल्म इमरजेंसी के लिए के नए किरदार का कंगना रनौत ने किया खुलासा। अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में नजर आएंगे श्रेयस तलपड़े। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा का ट्रेलर रिलीज। 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पर बनी है फिल्म।